श्रीकांत कहलाता है, मैं अभी किसी की वजह से अभिनव और अक्षरा का रिश्ता जुड़ा है तो वो है अभी। और अभी को जितना अक्षरा प्यार करती है ना, शायद से ज्यादा ही अभिनव प्यार करते हैं। तो अभी के लिए अभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए अक्षरा भी कुछ भी कर सकती हैं और अभिनव भी कुछ भी करने को तैयार होते नजर आने वाले हैं। जहां पर हम देखने वाले हैं फैंस की अक्षरा और अभिनव को अभी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और अब उन्हें पता लग जाएगा कि अभी के दिल में है जे और ये कंडीशन दिन पर दिन सिर्फ और सिर्फ वर्स अप ही होती जाएगी अगर जल्द से जल्द उन्हें ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनका ट्रीटमेंट इतना ज्यादा कंपल्सरी और अर्जेंट हो जाएगा कि उनको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। और ये रिस्क अक्षरा और अभिनव तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते हैं। और अभी की वो क्रिटिकल कंडीशन होगी कि अभी के दिल में है छेद, और वहीं दूसरी तरफ हमारे अभिमन्यु है हार्ट सर्जन। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अब अक्षरा जो है वो सीधा अभिमन्यु के पास मदद के लिए पहुंचने वाली। पहले तो वो हिचकिचाती नजर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभीर के लिए उनका प्यार, उनकी चिंता, उनकी टेंशन उन्हें अभिमन्यु पर ले जाने पर मजबूर सा करने वाली है। क्या ये वही मौका होगा जहां पर अभीर के इस ट्रीटमेंट के दौरान अभिमन्यु तक ये सच पहुंच जाएगा कि अभीर किसी और का नहीं, अभिनव का नहीं, बल्कि उनका खुद का अपना बेटा है ना? तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस सच को, ये सच जब भी अभिमन्यु के सामने आएगा वो क्या करते हैं। वो तो चाहते थे अक्षरा उनकी जिंदगी में वापस आ जाए, अब क्या उन्हें एक और रीजन भी मिल जाएगा उनको वापस लाने का। वही दूसरी तरफ उन्होंने आरोही से प्रॉमिस कर दिया है कि अब वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उनकी एंगेजमेंट सक्सेसफुली हमें होते भी देखने को मिलने वाली है। तो आखिरकार ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, कहानी में आगे आने वाले एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग, क्या क्या बिग न्यूज देखने को मिलेंगे मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं, रिलैक्स होकर बैठिए। फिर उससे क्या कहलाता है, को एंजॉय करते रहिए। चलते हैं, बाय एवरीवन।